सो ये है पिक्सल लैब ट्यूटोरियल का वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग पीएलपी फाइल क्रिएट करना सीखेंगे। और पीएलपी फाइल दोस्तों क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। दोस्तों पीएलपी फाइल एक प्रीसेट की तरह होता है जो कि डायरेक्ट इफेक्ट अप्लाई किया जाता है। दोस्तों आप पीएलपी फाइल कहीं भी शेयर करके किसी को भी शेयर कर सकते हैं। पीएलपी फाइल में थोड़ा बहुत आप चेंजेस करके हूबहू आप उसी की तरह इफेक्ट को ला सकते हैं। तो दोस्तों पीएलपी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो चलिए इस मोबाइल की स्क्रीन पर फाइल को हम लोग यहां से देख सकते हैं। और दोस्तों पीएलपी फाइल इसी वीडियो में हम लोग क्रिएट करना भी सीखेंगे। दोस्तों पीएलपी फाइल एक्चुअल में एक प्रीसेट की तरह होता है जिसे आप दोबारा एडिट करके आप फिर से उसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों पीएलपी फाइल आप कभी भी उसे तुरंत यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों पीएलपी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए पीएलपी फाइल को बनाना सीख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर इस तरह का लिया, यहाँ से दोस्तों साइज सेलेक्ट किया। तो चलिए मैं यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूट्यूब थंबनेल ओके कर देता हूँ। देन ओके करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से ले लेता हूँ कोई सा भी एक बैकग्राउंड। तो चलिए मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ। देन टाइप करने के बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ, जी हाँ। तो टाइप करने के बाद दोस्तों मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, टेक्स्ट में जाकर कुछ इसमें एडिट कर लेता हूँ। चलिए मैं फॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका फॉन्ट भी चलिए चेंज कर दिया हूँ, ओके। उसके बाद दोस्तों मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जी हाँ कलर चेंज कर देता हूँ। फिर सिंपली इसे ओके कर देते हैं। यहाँ से एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, चलिए एक फ़ोटो को मैंने ऐड कर लूँगा। तो चलिए मैं इस वाले फ़ोटो को यहाँ ऐड कर देता हूँ। सो सिंपली ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने कोई शेप ड्रॉ कर लिया, चलिए इसी शेप को रहने देते हैं। यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के बाद दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से और एक फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। चलिए यहाँ से डाउनलोड में जाकर एक फ़ोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ, ओके। चलिए इस फ़ोटो को भी मैं ऐड कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों इसे आप दोबारा कभी भी इसे दोबारा आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसे आप पीएलपी फाइल में सेव करके, यानी कि एक प्रीसेट की तरह सेव करके आप कभी भी इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, फिर से इसे रीयूज़ एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं पीएलपी फाइल में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। देन सेव एज प्रोजेक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको कुछ भी लिखकर सेव कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सिंपली सेव हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा पीएलपी फाइल पर, जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दिखेगा और आप इसे किसी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसे हटा दिया हूँ और फिर से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और चाहे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसका लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको फोल्डर में जाना होगा। देन फोल्डर में जाने के बाद दोस्तों आपको पिक्सल लैब में चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको प्रीसेट पर क्लिक करना है और आपको देखना है कौन सा प्रीसेट है। तो अभी मैंने सेव किया था इसे सेव किया, तो इसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है और डायरेक्ट इसे सेंड पर क्लिक करके शेयर कर देना है। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।